नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, मैंने कहा ना मैं तैयार हूँ, पर मुझे 3 लाख चाहिए। वाह, तूने तो भारी एंट्री फी रख दी। चल दिया 3 लाख। तो मैं आज रात ही आ जाती हूँ। आप बस बता दीजिए कि कब और कहाँ आना है। 3 लाख देंगे ना? एक रात का 3 नहीं चलेगा। 3 रातों के लिए लोना वाला ले जाऊंगा तेरे को। हर रात के बाद 1 लाख डाउन पेमेंट। बोल, मंजूर है? हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं आ जाऊंगी। सोचती थी कि तू सबसे अलग है, लेकिन आज देख भी लिया और सुन भी लिया, तू तो सचमुच सबसे अलग है। हाँ, छुप छुप के ये सब करती है। गांव से फोन आया था, बाबू आईसीयू में है, अगर 1 हफ्ते के अंदर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो 3 लाख की जरूरत है। 3 लाख माँ बाबूजी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। ये 10,000 रुपए मैनेजर के पास बचा के रखे थे, इनसे अपना काम चला, और जब तक बच पाओ बच जाओ, पर इस रास्ते पे मत जाओ। नहीं बाबलू, शायद साईं बाबा भी यही चाहते हैं। नहीं। अरे फेडोरा, ये क्या कर रही है? अन्ना, आज के दिन मत रो, बहुत कमा के दिया तेरे घुंघरू लेडीज बार को, प्लीज। अगर बबलू इसकी मदद कर सकता है तो क्या हम सब नहीं कर सकते? Hi baby, just a reminder for tomorrow. Of course, कैसे भूल सकती हूँ? Candlelight dinner fix. Bye love, take care. Bye. ये कौन है? Boyfriend. What? You got a new boyfriend? Yes. Bike वाला? नहीं, गाड़ी वाला. Yes. Tantalan. तेरे को सबसे पहला सरप्राइज दिखाने लेके आया. ये तेरा? तेरा माले पे तो है ना अपुन। अरे नंबर वाला तेरा नहीं। तो? तेरा वाला तेरा है? नहीं, ये हमारा फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट, लेकिन भाड़े पे। वो क्या है कि मम्मी डैडी से बात हो गई है, वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी सेटल हो जाऊं। इसके लिए मेरा सरप्राइज नंबर 2। वाओ। शादी नहीं कर सकती मैं तेरे से। क्या? पर क्यों? तेरे को तो मालूम है ना, मैंने इस लेडीज बार के लाइन को काय को पकड़ा है। मेरे लाइफ में चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपने भाई बहन को पढ़ाना चाहती हूँ, उनका खर्चा उठाना चाहती हूँ रे। अरे बस क्या ईशा, तेरे भाई बहन लोग मेरे लिए कुछ नहीं है क्या? तू टेंशन मत ले, मैं है ना, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। हर महीने का खर्चा 50,000 से ऊपर का है, शुरू शुरू में तो तू मैनेज कर लेगा, लेकिन उसके बाद तेरे को बोझ लगेगा रे। तो तू क्या चाहती है? तू उस दलदल में, उस गंदी नाली में, उस कीचड़ में, उन गंदी नजरों के बीच अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है? फिलहाल तो मुझे हर गंदी नजर में अपने भाई धीरज की सालाना फीस नजर आती है, अपने बहन लाडो के कॉलेज की डिग्री नजर आती है, मेरे छोटे छोटे भाई बहनों की आकाश रिंकू प्रीति उनके ट्यूशन की फीस नजर आती है रे। अरे लेकिन तेरे को पता है मेरे मम्मी डैडी कितना फोर्स कर रहे हैं मेरे को शादी करने के लिए। हाँ,
तो कर लेना शादी, तू शादी कर ले, मैं नहीं, तू कोई और मिसेस रवि किशन बन जाएगी। व्हाट रबिश यार, तू क्या बोल रही है? नहीं कर सकती रे मैं शादी, लेकिन तेरे से एक चीज चाहिए मेरे को, देगा? क्या चाहिए तेरे को बोल। ये, अरे ये मंगलसूत्र का तू क्या करेगी? हर रोज देखूंगी इसको और सबको दिखाऊंगी भी कि एक छोकरा था जो मेरे साथ सिर्फ एक रात नहीं पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। तूने रणवीर को शादी के लिए नो बोल दिया? फेडोरा, तू तो जानती है हमारी जिंदगी में इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम अपने खुद के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। हमारे भाई बहन कुछ बन जाएं, बस हमें और क्या चाहिए। और वैसे भी मुझे दूसरों के लिए सपने देखना बहुत अच्छा लगता है। रणबीर का सपना सच हो रहा है तो मैं खुश। हम बताएं, पहली बार जब हम इस जगह पर आए थे तो हमें इतनी शर्म लग रही थी कि किस जगह पे काम कर रहे हैं, किस तरीके की लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस माहौल में आप लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हो, हमें आप सब पर गर्व है। डांसिंग अलाउ नहीं ना सर, बैठिए बैठिए। तू इन धंधे वालियों के लिए क्यों ताव खा रहा है? क्या बोला तू? इन धंधे वाली, अबे तेरी धंधे वाली, कौन धंधे वाली बोला? अबे किसको धंधे वाली बोला मैं? अरे सर धंधे वाली कौन से धंधे वाली? How dare they bashup our boys? अरे अगर कोई गलती करेगा तो उनके हाथ पाव तोड़ने का लाइसेंस है क्या उनके पास? गोरेगा लिंक रोड पर किसी मामूली घुंगरू बार में काम करने वाले लोगों ने हमारे लड़कों को मारा। Beaten them up like dogs? पुलिस को तुम लोग ये स्टेटमेंट दोगे कि तुम सब उस बार में गए थे लेकिन बार की लड़कियों को तुम लोगों ने छुआ तक नहीं। लेकिन 9:30 की डेडलाइन के बाद भी जब बार की लड़कियां गेस्ट के साथ पब्लिकली फिजिकल हो रही थी तो तुम चारों ने अपने सेलफोन के कैमरा से उनकी इलीगल एक्टिविटीज को कैप्चर करने की कोशिश की। बस तभी उन सब ने आप लोगों को बेरहमी से पीटा। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, कौन हो तुम? मैं आलोक का दोस्त, अभी अभी मम्मी डैडी के साथ शिफ्ट हुआ हूँ। ओह, तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान हो रही होगी ना ये सब सुनकर। आस्क टू रिलैक्स। जी मैम। और उनको ये भी कह देना कि आज रात को तुम घर नहीं आ पाओगे। ऐसा मुंह क्या लटका है रे? ये जेल गिल सब नॉर्मल है रे, फ्रीडम फाइट के जमाने से होते रहता सब कुछ। आजकल क्या है, सब कुछ रेगुलर। ये रेगुलर, हाँ रेगुलर है। एक्टर लोग भी आता ना आजकल जेल गिल में। और कितना सुनाएगा? अरे सुनाता नहीं रे, मेरा चाहती है ना खुशी से फूल गया है, जश्न मनाता है रे। अभी है ना तू एक्चुअल में लेडीज बार का वेटर हो गया। ये फॉर्मेलिटी पूरा किया ना मारपीट करके जेल में जाने का, अभी तक ग्रेजुएशन पूरा हो गया रे। बबलू बबलू पास हो गया, ये न्यूज सबको सुनाने का है। सर भाई साहब इधर ही, एक मिनट क्या है? ये बबलू है, लेडीज बार में काम करता था, आज इसका ग्रेजुएशन। मैं क्या करूं? अरे सर ये बबलू है, लेडीज बार में काम करता, घुंगरू लेडीज बार बोल के एक घटिया थर्ड क्लास बार है सर, उधर काम करता। आज वो मारपीट करके जेल गया सर, ग्रेजुएशन हो गया सर इसका। हाथ मिला ना? राजू सेठ जी घुंगरू लेडीज बार के मैनेजर। ये बेनी है ना, इजी लेने का सर। हमारी लाइन में जेल जाने का चक्कर तो चलता रहता है, ये हमारे लिए रोज का काम है। तू एक काम कर, तू शाम को मिल मेरे को, मैं जरा पेपर वर्क करके आता हूँ। जी जी नमस्ते। मेरा मुंह का बात झील लिया रे। ये रेगुलर है बोलता रहे इधर, वेरी गुड। हाँ दिल को तसल्ली मिली, शांति मिल गया रे। हमारी एनजीओ टीम ने मुंबई की इन लेडीज बार्स की इनसाइड स्टोरी जान ली है। कानून के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, रात भर नाच गाने और कस्टमर को रिझाने के कार्यक्रम चलते रहते हैं। लीजिए ना प्लीज। हम सब कुछ जानते हुए भी आखिर अनजान होने का नाटक कब तक करते रहेंगे? खुलेआम जिस्म की नुमाइश हो रही है,
जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर इन लेडीज बार्स की गंदी नेटवर्क का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। यस जेंटलमैन, शी इज राइट। आई मीन ये वल्गैरिटी, ये ऑब्सिनिटी, ये अंगप्रदर्शन हम और टॉलरेट नहीं करेंगे। आप लोग सोसाइटी के इतने बॉन्ड लोग हैं, अगर आप लोग आवाज उठाएंगे तो आई एम श्योर लोगों में अवेयरनेस आएगी। आई एम श्योर। थैंक यू मिस्टर नेगी। मिसेस तेजवानी, वो 15 की पार्टी कंफर्म समझूं? ऑफ कोर्स मिस्टर नेगी। 1000 कवर्स? या या, ऑलराइट, एंजॉय सर। थैंक यू। निखिल, 15 की कंफर्म है। सो वी हैव टू गेट टुगेदर। हे सर्व लेडीज बार, ताबडतोब बंद झाले पाहिजे आणि याचं रिपोर्टिंग मला करा। काही मदत लागली असेल तर माझ्या डिपार्टमेंट कडून। बंद करा सगळं, हे समाजासाठी हे सगळं करणं चांगलं नाहीये। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। एक फोन किया ना तो ठोक दूंगा तेरे को आके। हरामजादे, बंद करिए नाटक। साला कुत्रिया नहीं चाहिए लेडीज बार। कोई टेंशन नहीं है, सब हो गया है। अभी एक घंटे में तुम सब लोग घर चले जाओगे। थैंक यू अन्ना। थैंक यू किस बात का? 40% प्रोटेक्शन मनी, यही सब लफड़ा मिटाने के लिए तो लेता हूँ मैं तुम लोगों से यार। चलो अभी रिलैक्स रहो, बाकी का मैं निपटा के आता हूँ। रोज रोज का ड्रामा हो गया है ये लोगों का। पैसा भी खाते हैं और रोज आ जाते हैं उठाने के लिए हम लोगों को। पाँच पाँच घंटे पकाते हैं फिर यहाँ बिठा के। चल यहाँ पे बैठ जा। अभी बोला है एक घंटा, कितना टाइम लगाएंगे कमीने साले। दादा, वो लड़की यहाँ कैसे? कौन वो? लोखंड वाला बैक रोड पे बैक सीट पे बैकलेस पकड़ा है। क्या बात कर रहे हो? किसी आदमी के साथ तक दिना दिन कर रही थी, आदमी तो भाग गया, इसको धर दबोचा है। ए हाई फाई, क्या बोल रही थी उस दिन? पब्लिक प्रॉपर्टी टॉकिंग ऑफ बीइंग पर्सनल, नाउ लुक who's become public property, huh? अरे भैया रुको। कितने हुए पैसे? अन्ना, वो जो लड़की वहां है ना, वो किसी तरह से भी उसको यहाँ से निकालो प्लीज अन्ना। जो भी उसका सेटिंग का खर्चा होगा मैं देगी। प्लीज अन्ना, प्लीज। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, चल। ओह थैंक यू अन्ना। मैं इसको समझाता हूँ, तू वहाँ जाके बैठ। रिया बेटा, साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, पीछे जो लड़की बैठी है ना। आंटी, मैंने इसे यहाँ बुलाया। एक्चुअली आज हमारे लेडीज बार पे ना रेट पड़ गई और मैं पकड़ी गई, और इन लोगों ने बोला कि किसी भी दो जान पहचान वालों को बुलाओ तो ही छोड़ेंगे। आंटी, मैं आप दोनों के बिना और किसी को जानती भी तो नहीं। क्यों बेटा, ऐसा काम करते ही क्यों? छोड़ दे इस काम को। मेरी बेटी रिया, इसे देख, ये जैसे अच्छी जगह काम करती है वैसे तू भी तो कर सकती है। काम हो गया। ओ, ये राजू सेठ है, हमारे लेडीज बार के मैनेजर। अब बाकी का ये संभाल लेंगे, अब आप दोनों जा सकते हैं, है ना? थैंक्स, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू रियो फॉर कमिंग। अच्छा सुन, ये लड़की किसी और बार की है क्या? अरे नहीं रे, किसी और दुनिया की है, पर उसका हालत अपने जैसा है, सेम टू सेम। बोलो रिया, क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? आकाश, लेट्स गेट मैरिड। अरे ऑल ऑफ अ सडन? लेकिन हमने तो 2 साल बाद शादी का सोचा था ना। मैं अभी शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो 2 साल बाद होने वाला था वो अभी सही। अरे बबलू, आज मौन होता क्या रे? हाँ, अपना गुलाबों से बात नहीं कर रहा तू? रोज रोज फूल पत्तों से बात करना जरूरी है क्या?
जरूरी नहीं है लेकिन भड़कने का भी जरूरत नहीं रहे। टूट नहीं रहा है क्या? तू काम पे नहीं जाने का है? काम होगा तभी तो जाएंगे। हाँ मतलब? घुंघरू लेडीज बार का बार लाइसेंस पुलिस ने कैंसिल कर दिया। हाँ क्या बोल रहा है बबलू? वो राजू सेठ कहता है कि खिला पिला के शुरू करवा देगा लेकिन गारंटी नहीं कब तक। तो अभी तू क्या करेगा? देखता हूँ कहीं रेलवे कैंटीन या ढाबे पे नौकरी ढूंढेंगे अब और क्या है। व्हाट नॉनसेंस यू टॉकिंग बबलू? मैं कौन रे? हैं? तेरे सामने फाइव स्टार खड़ा है, मतलब फाइव स्टार में काम करने वाला दोस्त खड़ा है, समझ में आ रहा तेरे को? ये ढाबा की बात नॉनसेंस, ऐसे दोस्त का फायदा भी नहीं उठाएगा तो कभी उठा दो। मैं तेरे को नौकरी देते रहे देता रहे सर। गुड गुड शट अप, कर क्या रहे तुम यहाँ पे? सर वो शीना मैडम ने रिकमेंड किया ना सर, वो बबलू के लिए। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक, बबलू कहाँ है? बबलू पीछे नीचे सर। ओ ये बबलू है, इससे पहले तुमने कहीं काम किया? घुंघरू लेडीज बार सर। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक, व्हाट डिड ही से जस्ट नाउ? व्हाट घू व्हाट? घुंघरू लेडीज बार। घुंघरू लेडीज बार? बेनी अकल है सर? है सर, वेरी अकलमंद, वेरी। मैं उसकी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हें अकल है? इजी सर, है ना सर? नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर अकल होती तो तुम इस घुंघरू बार वाले को यहाँ पर इस मिराज में लेकर नहीं आते। लुक एट दिस, ये टाउन मार्केट, ये थर्ड क्लास, ये घुंघरू लेडीज बार वाला, एंड लुक एट अस, द एलीट, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड क्रीम ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू सर। आई मीन आइंदा अगर तुम इसको यहाँ पर लेकर आए, इसको तो मैं पुलिस में दूंगा। सर ही इज माय फ्रेंड सर। और तुम्हारी नौकरी जाएगी सर। गेट आउट सर, वहां से नहीं सर, बैक डोर पीछे। अगर किसी ने इसको यहाँ देख लिया तो लोग बोलेंगे अय्याशियां चल रही है यहाँ पे, अय्याशियां हो रही है यहाँ पे। निखिल आई एम स्टिल ऑन द लाइन, मैं तेरे को काम देती। चलो बबलू सुन, सॉरी बोलने कोई जरूरत नहीं, हमारा समय खराब है, होता है। वो नहीं रे, वो बैक डोर उधर से है। कौन सा डोर? पीछे का दरवाजा उधर से है। चल अन्ना, क्या हाल हो गया ये बार का? तू चाहे तो ये बार वापस शुरू हो सकता है। मैंने सीनियर इंस्पेक्टर से बात की है, वो चालू करवा सकता है। वो क्या है कि वो थोड़ा वो रंगीली किस्म का आदमी है, जब मूड हो जाए भेज देना लौंडिया यहां से, ताकि उनका भी काम हो जाए और तेरा भी काम हो जाए। काम ले, दो नंबर का धंधा कर सकता हूं, लेकिन तुम लोग जैसी भड़वागिरी नहीं कर सकता। ये लड़कियां डांस बार में अपनी कला बेचकर पैसा कमाती थी, जो तुम लोगों ने बंद करके इन्हें अपना बदन बेचने पर मजबूर कर दिया। अब ये चुपचाप यहाँ खड़े होकर पैसा कमाती है, तुम लोग ये भी बंद कराना चाहते हो ताकि वो रोड पे खड़ी हो जाए? तुम लोग उनसे वही कराना चाहते हो जो वो नहीं करना चाहती। तुम लोग जितनी भी कोशिश करो इनकी रोटी छीनने की, अगर भगवान ने इनके नसीब में दो रोटी लिखी है ना, तो ये ऑर्केस्ट्रा बार जरूर शुरू होगा। ये क्या रिया, तुम नर्वस हो? जस्ट चिलैक्स, मेरे मॉम डैड एकदम चिल्ड आउट है, तुम्हें उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। प्लीज कम हियर, हैव अ सीट। हाय मॉम, हाय डैड, दिस इज रिया। द मोमेंट आई सॉ यू, मैं एक ही फैंटेसी में जी रहा हूं। बैठो बेटे, बट यू गॉट अ फैंटास्टिक चॉइस, जो तुम्हारी पसंद वो हमारी पसंद। आई वॉन्ट यू। वॉट बेटा, आप क्या लोगी? नथिंग थैंक्स। नहीं नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। 1,00,000 रुपए, 2,00,000, 3,00,000 रुपए। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, शादी के बाद के तुम लोगों के क्या प्लान्स हैं? यू आर गोइंग टू स्टे इंडिपेंडेंट और विद अस? वैसे आई विल प्रेफर यू स्टे विद अस। रिया, मेरे बिजनेस एसोसिएट्स हैं विशाल और संदीप, इफ यू डोंट माइंड मेरी। एक्सक्यूज मी, मैं जरा वॉशरूम कराती हूँ। मैडम, ये आपकी गाड़ी की चाबी।